पुतला आवे बुआ जी ने अरे हम अब रात पे करे चला ये हमारा जो काम है मुझे करने दो, अगर हमारे काम में दखलंदाजी देने की कोशिश किया तो हम से बुरा कोई नहीं होगा। सारे भालू भाई तनी सर बोलना, नहीं इतना मारूंगा भी। ओ भाई भालू जो घर कोई बात नहीं है, आज तक इतने दिन हो गए वहां मिले रहा कब कुछ कहे ना भाई। मार खाएगा ये मियाँ बीबी झगड़ा है, ऐसा कर सुन मियाँ बीबी झगड़ा है इनके मेहरिया कहा थे जब मेला देखे मेला देखे मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, वही मारे आ जो है
अरे यार हम क्या जाने, अभी तो अच्छा हुआ कि कुछ कहे नहीं, नहीं दो एक हाथ तो मार देते अभी। नहीं भाई, ऐसे पहले बता देना चाहिए ना। तुम हाथ तुम्हारे नहीं गए, खाली अंगूरी दे रहे थे बाबू। अच्छा ठीक है ठीक है, जा रहे हैं। अरे अजनबी, अरे क्या नाराजगी करती हो, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। देखो समझदार हूँ, अच्छे खानदान की लगती हो। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए, मुझे बोलने का मौका तो देंगे आप। हरामजादे, तेरा स्क्रू कम हो जाए। नीक नीक बोल रही है। अरे बाबू मेला खाते ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। देखिए अजनबी, दरअसल ये जो धम्मड़ है ना कभी ना, ये रिश्ते में मेरा भाई लगता है, और वो हरामजादा, वो तो मेरा सगा भाई है। कमीना, क्या बताऊं, मैं नहीं जानती थी कि ये मुझे चमन में मिल जाएगा, नहीं तो आज मैं आती। देखो कितना बड़ा कमीना इंसान है। लेकिन अरे इस तरह में तो भगवान के लिए आप कोई भाई अपने बहन को नहीं समझेगा। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप मुझे बचा लीजिए, ये एक नंबर का कमीना आदमी है। अबे यहाँ अरे थोड़ा शर्म खा यार। अरे ये हमारी बहन वहन कुछ नहीं है, क्यों नहीं भाई? ऐसा करो तुम दोनों चले जाओ, अरे बहुत मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे दोनों। हम दोनों जा। अरे साले हम उजेरे में पटा देंगे तुझे। नहीं हम जाए ना पोपा, हम जा तो जा ही जाए, हम तो ना जाबे। जाओ चल। हम घोड़े का औलाद नहीं बल्कि घोड़ी के हैं। हरामजादे, तुझे मेरे पिताजी ने मेरे साथ भेजा है मेरी हिफाजत करने के लिए। अरे पिताजी ने इसे मेरे साथ मेरी सुरक्षा के लिए भेजा है। इसे देखकर और तुम्हें देखकर तो हमें बहुत अचंभ हो रहा है। क्यों? कि ये जो है तुम तो बहुत दुबली हो, इसे की चक्की का आटा पीस के खिलाती हो। क्या बताऊं, हम खुशहार खाई दो। अच्छा हरामपुर, देख सुन आओगा एक माला दी खवा दियो। क्या हुआ बाबू? हेलो, पैसा ना बगा दुबला ना तो कंडोम में चबा ले। ए देवी जी, कहाँ घूम रही हो यार? और जाओ अपने घर जाओ, अब तो तुम्हारी इज्जत बच गई। ठीक है, लेकिन ये बात तुम अपने पिताजी से जरूर बताना, क्योंकि ऐसी गंदी हरकतें भाई को बहन के साथ करनी चाहिए नहीं चाहिए ना? अब आप ही सोचिए कितनी बुरी बात है। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। आप रहते कहाँ हैं? मालागढ़ में रहता हूँ। मालागढ़ में? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? वही मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने, और वही मेरी माँ रहती है। बहुत अच्छी मेरी माँ है। यानी कि तुम काम करना चाहते हो? हाँ। एक बात बताऊं, तुम्हारी नौकरी तो मैं लगवा सकती हूँ। तुम लगवा सकती हो? हाँ हाँ। जरा भैया काया चूतिया बना चले आ भाग। ए धम्मड़, हम तो जरा नौकरी करते हैं, का चूतिया बना चले आ भाग। अरे यार ये लड़की कहती है नौकरी मैं लगवा दूँ, कैसे लगवा देगी ये? अरे सुन, तेरी तो बिल्कुल पक्की ही हो जाएगी। सही? और क्या? देवी जी ऐसा करें क्या, अब अपना रास्ता आप जाए, हम अपनी रास्ते जा रहे हैं। अरे सुनो,
अरे मेरी बात तो सुनो, खा पिए के मिली, खा पिए परे रह भाई। मेरी बात तो सुनिए। बोलो क्या कहना चाहती है? सुन मेरी बात, अब तू थोड़ी देर के लिए अंदर हो जा। ये ना हो। अरे हम अंदर कर दे। अरे भैया होई ना बोल अब जाऊं। चलो ठीक है। ओ भाई कैसी बात कर रहे हो? अरे पहले बात सुनियो भाई। अरे पहले सुनियो पहले। अरे सुनो भाई, का कहे नहीं, थोड़ी के अंदर हो जाए। देखो जब हमान रहा है तो रास्ता बढ़िया बढ़िया रहा है, अब रास्ता बिगड़ गया, अंदर जाए नपो पे। चल यहां से निकल, हराम को पे। अरे इतनी बड़ी तरीके से अंदर घुसा हम। अजनबी हम आपसे कुछ, हम आपसे कुछ कहें तो? जो कहना है बहुत जल्द कहिए, क्योंकि हम कहें आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अरे बुरा लगने की क्या बात है, क्या कहोगी बताओ? और जगे कर गई तू, मैं सूरत नाराज क्यों होते हैं? तुम एक बच्चों जैसी बात करती हो। क्यों? अरे बताइए, हम तो नौकरी ढूंढने जा रहे हैं और ये अपनी भजन सुनाना शुरू कर दी। पहले तुम बताओ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, ये जो कपड़े हम पहन रखे हैं ना, मेरी माँ प्रधान जी के यहां गई थी और वहां से कुछ पैसे लेकर आई है, तो ये कर दे दिया है। अरे तुम मेरी बात मानो, तुम्हें राजा बना के रखूंगी मैं। राजा? अरे देवी जी क्या मजाक उड़ाती हो, कहां मेरी नसीबों में लिखा है। अरे आप मेरी बात एक बार मान कर तो देखिए। ये बताओ, मेरी बात तो समझो, हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है, रहने के लिए जगह है, कहाँ लेकर रहूंगा तुम्हें? और फिर ठीक है, हम आएंगे अपनी माँ से पूछ लेंगे, उसके बाद तुम्हें हम अपने घर जरूर ले चलेंगे। बिल्कुल बुद्धू हो, ये भी कोई माँ से पूछने वाली बात है? क्या पूछोगे माँ से? अम्मा, अम्मा तो पूछिए कितना करी नौकरी, भैया कुछ नहीं कही तो। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो तुम आई लव यू। अरे वाह, आई लव यू। लेकिन ये एक चीज तो तुमने नहीं बताया। क्या? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ यार, बात तो यहाँ तक आ पहुंची, लेकिन अभी तक मैंने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है? देखिए मेरा नाम काजल है। जी बहुत सुंदर नाम है, लेकिन आज ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। तुम कुछ सोच रहे हो मन में क्या? हम सोच क्या रहे हैं, हमें तो हम लगता तो ये सोच रहे हैं कि हमारा दोनों का इस जन्म का नहीं उस जन्म तक साथ है। इतनी बड़ी सोच है तुम्हारी, क्या सोच रहे हो हमें तुम ही बताओ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा
कहिए मालिक, जिस दिन से वो सावन ऐसी बात कह दिया उसी दिन से 2400 घंटा हमारे टेंशन रहती है। तो इसलिए जाओ हमारे पीने के लिए एक रम की बोतल लेके आओ। आप लोग शांतिपूर्वक से बैठ के पूरे तमाशे का आनंद लीजिए। आप तो जलेबी खाओ, आप चाशनी का मजा लेते जाओ। बहुत सही, बहुत सही। लमादार आपके लिए रम की बोतल ले आए। वाह चाचा, आप इतने गम में डूब गए, शराब पीना चालू कर दिया तो मैं हर किसी से शराब मैं नहीं पीने दूंगा। सावन, क्या बात चाचा? मैंने एक दिन तुझे समझाया था ना कि बेटे दो गलतियां कर बैठे हो और भूल कर तीसरी गलती नहीं करना। चाचा, मैंने इसमें क्या गलती किया? अच्छा, आप शराब पी रहे हैं तो शराब क्या लाभ है? हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? बिल्कुल चाचा जी, बुरा काम ही हो रहा है। सावन, ये बोतल मुझे दे दे। नहीं चाचा, ये बोतल मैं हर किसी नहीं दूंगा। आज मेरी बात को कान खोल के सुन। वो कौन सी बात है चाचा? तो घूमता है आवारा इधर से उधर, घूमता है कारण ये बर्बाद में हो गया उतना आई शराब।
तेरे दिल में इतनी बड़ी हमदर्दी। हाँ चाचा, मरते दम तक मैं गरीबों के साथ अवश्य दूंगा। तो ऐसी गलती हमारा नहीं भूलता, घूमता आपका ये गलत फहमी है हो रही। अब जो शराब है पीते अच्छा अच्छा मेरे, इसके कारण यहाँ पर मैं आया हूँ। तो आजकल बन गया तू है धर्मा तुम्हारा, आज बेहया के सारी दौलत गवाया मेरी, तेरे कारण ये बर्बाद, ओ मैं हो गया शान मिट्टी में मेरी। और सामान आज मेरी बात कान खोल के सुन ले, और मैं छोड़ू मेरा अभी भाग जाओ। हमारे यहां से और अभी भाग जाओ, और यहां मैं नहीं अभी सुन। तू हमरा भतीजा होकर आज इन गरीबों के सामने मेरी बेइज्जती, तेरी औकात नहीं चाचा, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूं। तू जब दर्दर की ठोकर खाएगा ना, गली गली कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तुझे एहसास होगा हम तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है चाचा, ये अगर आप कहते हैं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। निकलने मेरे सामने से, लेकिन चाचा याद रखना, चाह तो रहा हूं इस घर को छोड़कर, चाह तो रहा हूं, याद रखना मैं जहर का घूंट पीकर जा रहा हूं इस घर से। एक न एक दिन तुम्हें अगर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम सावन नहीं है। तो हमें कुत्ते की मौत तुम्हारे का हराम जाते। गोली मार देना, ऐसे इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैं चल रहा हूं। देखे भैया। हाँ भैया। आए अपने भतीजे के मारे चला चाकू। हाँ क्या? इसी बात पर याद है यार। और क्या बनी रे गदगदौआ मुतल्लो, कैसी बनी रे गदगदौआ। तेरा क्या बात है? रमजान क्या कर रहे हो?
आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी खामोशी में काहे के लिए खड़े हो रहे? अरे खामोशी के बाद तुझे बात नहीं है, हम लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, चोर डाकू है ना, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। चलो ठीक है, अपने अपने ड्यूटियों पे तैनात रहने को। फेरा और रमजान, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, पिताजी आपकी बेटी काजल एक अनजान लड़के से प्यार करती है और हमारा जो फर्ज था आपसे बता दिया, आप जाने आपका काम जाने। क्या कहा सरदार जी? मोहम्मद करती है। चल भाई, मेरी बेटी काजल एक अनजान लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं होता सरदार जी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। रमजान जाओ, मेरी बेटी को बुलाकर मेरे पास लाओ। और कहो किस लिए है ओ बुलाए पिताजी, कहो किस लिए हो, क्यों बबूला, सुनो ये पिताजी।